Let's listen in to Jaya Varma. She's speaking, the railway board chairperson. Let's listen in. उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुँच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजीपी में न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। वो लोग वहाँ से और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुँच गए। स्टेशन का स्टाफ पहुँच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच गया, एम्बुलेंसेज आ गई और एनडीआरएफ आर्मी की वहाँ पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके, उनकी जो भी इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जाए। रेलवे के डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनकी सेवा में हैं। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन होती है वो भी घटनास्थल पर पहुँच गई थी 1 घंटे के अंदर। उसके साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स 2 जो हैं वो भी चल पड़ी हैं, एक पहुँच गई है, दूसरी पहुँचने वाली है। जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का जो कि अनअफेक्टेड है उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। पैसेंजर्स जो हैं वो अपने, जो फंसे हुए हैं वहाँ पर इस घटना की वजह से, वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। उनके जितने भी नेक्स्ट ऑफ किन एंड उनकी जो वेलविशर्स हैं उनकी सुविधा के लिए हमने हर जगह हेल्प डेस्क खोल दी है। इस ट्रेन के पूरे रूट पे जितने भी मेजर स्टेशन हैं वहाँ पर तो फिजिकल हेल्प डेस्क खुल गई है। हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह के शेयर कर लिए गए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी शेयर कर लें। सारी हेल्पलाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। उसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर अब चूंकि रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, अब रेस्टोरेशन का काम शुरू हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो रास्ता बाधित है, जो रूट ऑब्स्ट्रक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और उसको शुरू कर दिया जाए। मैम इसके साथ में वही एक टोटल कैजुअलिटीज कितनी है, टोटल इंजर्ड्स कितने हैं, कितने सीरियसली इंजर्ड हैं, अगर वो फिगर यहाँ से मेरे साथ, अगर आप मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। ओके जी। मैम मुआवजा की अक्सर मुआवजे की बात होती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया है। कोई इंक्वायरी भी करेंगे? इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन। इंक्वायरी उसके बाद जाएंगे मैम, वो बस अभी पहली फ्लाइट वो एयरपोर्ट की तरफ चलेगा। मैम कितने लोग इंजर्ड सीरियस हैं, कुछ ऐसा भी? नहीं, सीरियस इंजरी का अभी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। हमें जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब से जो बात हुई थी उनके इंफॉर्मेशन के अनुसार 25 लोग हॉस्पिटल गए हैं और जिनको कोई भी फेटल इंजरी नहीं है, उनके शब्द यही हैं। पर वी विल बी नोइंग मोर, अभी हमें पता चल जाएगा। हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर हैं, तो सारी इंजरीज असेस करके वो हमको बता देंगे। मैम कवच सिस्टम इंस्टॉल? कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है। दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है, नॉट देयर राइट नाउ। तो मैम इस वक्त के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है और अभी तक की जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 8 की है जी, और इंजर्ड 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग हैं. How do you look at the accusations by the opposition? I would not like to get into that, but let me assure you that safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, but we will know more about it after the inquiry. And we have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing, जो कि proliferate करना है. ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है. ऑलरेडी हमारा करीब 1500 किलोमीटर पे ये चल रहा है, और इस साल 3000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा. नेक्स्ट ईयर फिर 3000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा. मैम, कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है. मैम, गलती क्या है, कि आप समझाते हैं सिंपल टर्म्स में, गलती हुई क्या है? सिग्नल डिसरिगार्ड किया है. क्या होगा मतलब इसका? ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी, और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई. पीछे वाली गाड़ी को रुकना था. ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं, एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा. इट्स कंप्लीटली ह्यूमन है अभी लग रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी, ही इज ऑल्सो पेरिश्ड इन दिस एक्सीडेंट. सो वी हैव नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. So whatever we can gather from the situation that which has passed so far, it seems that there was a disregard of signal, but we will know more after डिटेल. मैं बस, क्योंकि आप लोगों ने जो वॉर्निंग भी सेटअप किया हुआ था, तो कैसे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में क्या कार्रवाई की, अगर वो थोड़ा? जी, कार्रवाई हर स्तर पे होती है. सबसे पहले तो फील्ड पे होती है. जी, सबसे पहले तो फील्ड के स्तर पे होती है कि वहाँ पर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सारे एक्शन में आ जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए. एट द सेम टाइम जोनल हेडक्वार्टर पे भी होती है और रेलवे बोर्ड के स्तर पे भी होती है. तो रेलवे बोर्ड के स्तर पे जैसे ही हम लोगों को पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे इस घटना के 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू कम टू आवर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विच वी कॉल आवर वॉर रूम, एंड वहाँ पर जो सारे और काम जो करने हैं, जो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रेस्क्यू करिए, हर एक जान को बचाइए. तो उस रेस्क्यू में हम लोग लग जाते हैं, और हम यहाँ से भी रेस्क्यू एफर्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, और हम जो भी वहाँ पर एजेंसीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, जैसे एनडीआरएफ जो है वो सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, तो एनडीआरएफ की टुकड़ी वहाँ से तुरंत चल पड़ी. आर्मी सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, वो भी तुरंत वहाँ के लिए चल पड़ी. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आ गया, सारी एम्बुलेंसेज नज़दीक के अस्पतालों से आ गई, और लोकल लोग तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो वो लोग भी आ गए. तो वो सारे एफर्ट हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं, और उस पर ध्यान रखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को राहत पहुँचा सकें. थैंक यू. हाँ, एक और नहीं, हेल्प डेस्क को बताएगी ना. सॉरी, इंग्लिश एक रिक्वेस्ट है, वॉर रूम में काम चल रहा है, तो एक एक करके वेरी क्वाइटली